हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल अनबॉक्सिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैंने अपना पहला कैमरा खरीदा है। तो क्या ये कैमरा यूट्यूब मनी से खरीदा है मैंने? लेट्स सी। फटाफट सबसे पहले इसे अनबॉक्स करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैमरा कैसा है और आप लोगों को बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। ऑलराइट गाइस, तो आज अभी मैं आप लोगों को ये डब्बा अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा इसमें क्या है। ये कोई नॉर्मल अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं होने वाली है, ये होने वाली है एक थोड़ा फन और अच्छा टाइप की यार। तो ये जो बॉक्स है ये पहले से ही खुला हुआ था, लाइक फ्लिपकार्ट वाले जो भैया आए थे उन्होंने पहले ही खोल के दिखा दी थी इसके अंदर, कि इसके अंदर सब सही है कि नहीं। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को पूरा चीज़ दिखाऊँगा कि इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या मिला है और कैमरा कैसा है। तो सबसे पहले इसे खोलते हैं एंड इस डब्बे में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलता है ये कैमरा का बैग है, काफी अच्छा है। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा, इसको रखते हैं अभी इसी के अंदर साइड में और मेन चीज निकालते हैं। मेन चीज ये है गाइस, अब इसको करेंगे हम साइड में और ये है मेन चीज। ये देखो गाइस, सोनी अल्फा। इसके साथ मुझे 2 साल की वारंटी मिली है, 2 साल की, विच इज ग्रेट। तो अब हम इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसे ही आप डब्बा खोलोगे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो ये जो चीज़ है, मेमोरी कार्ड रखा हुआ मिल जाएगा। अभी हम इसे लगाएंगे पर सबसे पहले अंदर देख लेते हैं डब्बे के क्या है। अंदर डब्बे के आप लोगों को मिल जाएगा वारंटी कार्ड और मैनुअल वगैरह मिलेंगे, बाकी कैसे यूज करना है सब मिलेगा। ये सब कोई पड़ता नहीं है गाइस, कोई फायदा नहीं है, साइड में रख देते हैं इसे। और अब बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही आप लोगों को बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी और इधर मैं दिखाता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हो, आप लोगों को सबसे पहले बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा कैमरा। यस गाइस, ये जो है ये यही है कैमरा। अभी इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं और सारी चीज़ें। और आप लोग को बॉक्स में देखने को मिलता है ये है, देखते क्या है ये है अडाप्टर। या तो ये है अडाप्टर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हम रखते हैं अभी, इसे भी साइड में रख देते हैं, इसके अंदर लगा के इसे साइड में रख देते हैं। बाकी ये आप देख सकते हो, ये एक और आप लोगों को पाउच देखने को मिलता है। इस पाउच के अंदर क्या है लेट मी सी। ओ ये गाइस आप लोगों को माइक के ऊपर लगाने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं वो भी लगा के भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसे रख देते हैं साइड में, इसे भी। नेक्स्ट आप लोगों को ये देखने को मिलता है, ये चीज़ जो है ये है नाइस। ये आप लोगों को बैटरी देखने को मिलती है। ठीक है, बैटरी। आजकल मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है इसीलिए तो मैंने अपग्रेड किया है। तो ये है, ठीक है। और इसकी इस कैमरे की मैं खास बात बताऊंगा, इस कैमरे का जो है ऑटो फोकस बहुत अच्छा है। ठीक है, इस सब को साइड में रखते हैं और आप लोगों को एक्स्ट्रा से ये देखने को मिल जाता है, ये है केबल जिसे आप अडाप्टर में कनेक्ट करके अपने उसको चार्ज करोगे कैमरे को। ये है कैमरे की पट्टी और ये है USB टाइप सी पोर्ट। यार वाओ, तो ये है कैमरा, ये देखो गाइस, वाओ, ये देखने में बहुत ही सही है भाई। मतलब क्या फील है यार इसको पकड़ने में। और आप जैसे देख सकते हो ये जो इसका डिस्प्ले है, ना ये यहाँ से ये ऐसे बाहर आ सकता है। प्लस सिर्फ यही नहीं, ये इसका डिस्प्ले ऐसे रोटेट भी हो सकता है, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो या वीडियोग्राफी कर रहे हो तो आप लोग को ऐसे बहुत काम आएगा। तो सब अब क्या करते हैं, हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेंस ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और ये कितना सुंदर है भाई, मतलब वाओ वाओ गाइस, वाओ एकदम ही वाओ मेरे को। और बहुत बहुत छोटू सा है यार ये कैमरा, देख रहे हो मेरे एक पाम जितना है। ये देखो मेरा पाम इतना बड़ा है। ठीक है,
और मेरे हाथ जितना बड़ा ये कैमरा है, देख सकते हो, ये इतना बड़ा कैमरा है, ये बस इतना बड़ा था, बिल्कुल हाथ में आराम से फिट हो जा रहा है। अब इसकी जो स्क्रीन है ना, वो ऐसे खुल सकती है ऐसे, तो आप ऐसे करके वीडियोस बना सकते हो, यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो कि क्या आ रहा है और यहाँ से आप वीडियो बना सकते हो। प्लस प्लस इसकी जो स्क्रीन है ये इस तरह से भी रोटेट होती है, तो आप फोटो लेते टाइम लाइक अगर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से करना, नया कैमरा है तो थोड़ा ध्यान से रखना होता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको ऑन। इसको ऑन करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ क्या करना है। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो ये है ना, तो आपको ऐसे करो तो ये खुल जाएगा। इसमें आप लोगों को बैटरी लगानी है जो कि है ये, और इसके अंदर का देख सकते हो, इसको इससे जस्ट मैच कराना है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को इसके अंदर एसडी कार्ड भी लगाना है जो हमें बॉक्स के साथ मिला है, मेमोरी कार्ड। ये 64GB मेमोरी कार्ड है सोनी का, ये मुझे मिला है, तो इसको भी आपको इसके अंदर लगाना है। इसको प्रेस करो, ठीक है, दोनों को प्रेस करोगे दोनों लग जाएंगे। अब आप इसे बंद कर दो और ये बंद हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से ऑन करना है, और भाई ये खुल गया भाई हमारा कैमरा, वू हू भाई, मतलब ये कितना सही है यार। साइड में आपको सबसे ऊपर की तरफ देखने को मिलता है ऑडियो का पोर्ट, अब वो बंद है इस वीडियो में, पर वो ऑडियो का पोर्ट है, ठीक है। और नीचे जो तीन है ना, उसमें सबसे पहले आप लोगों को एक USB टाइप सी पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक ऑडियो मॉनिटरिंग पोर्ट देखने को मिलता है। अब देख सकते हो कैमरा में आप लोगों को बटन देखने को मिलते हैं बहुत सारे, और आप लोगों को बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स इस कैमरा में देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, वो पूरी सोनी ZV-E10 से शूट हो रही है, और मेरे को बताने की क्वालिटी कैसी है, मेरे को तो क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है। इसका जो फ्लिप आउट स्क्रीन है ना, वो मुझे बहुत सही लगता है, इससे मैं देख सकता हूँ कि आसपास के बैकग्राउंड और मैं कैसा आ रहा हूँ। प्लस इसमें एक मोड है, इसको प्रोडक्ट मोड कहते हैं शायद, मैं अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप उसे ऑन करोगे तो कैमरे के सामने आप कोई भी प्रोडक्ट लाओगे तो ये उस पर बहुत तेज़ी से फोकस कर लेगा, ठीक है। ये देखो, थोड़ा शायद पास लाने से होगा, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे मेन रीजन इस कैमरे को लेने का ये है, इस लाइक ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा कैमरा है। प्लस ये बजट में 4K तक वीडियो शूट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस कैमरे का मेरे को जो माइक है वो वन ऑफ द बेस्ट माइक लगा है कैमरों के मामलों में। लाइक अगर आप लोगों को एक्सटर्नल माइक लगाना है ना, वो भी आप लगा सकते हो, पर अगर आप लोगों को नहीं लगाना है, इसके माइक से यूज करना है, ठीक है, तो आप इसके माइक से भी काम चला सकते हो। मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया नहीं है, मैं इसी के माइक से जो भी हो रहा है सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑडियो क्वालिटी कैसी है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने अभी शूट नहीं किया है स्लो मोशन वगैरह, तो अभी मैं वो भी शूट करूँगा और आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो बताना मुझे कि कैसी आ रही है क्वालिटी। बाकी मुझे तो बहुत ही सही लग रही है क्वालिटी, रात में भी बहुत ही अच्छी फोटोज, बहुत ही अच्छी वीडियोज कैप्चर करता है। मैं आप लोगों को उसका भी सैंपल दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहो यार इस वीडियो में। एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो है ये मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा पहला कैमरा है गाइस, पहला। थोड़ा दिन इसे यूज़ करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। एक चीज़ मुझे इस कैमरा की अच्छी नहीं लगी, इसमें व्यू फाइंडर नहीं है। व्यू फाइंडर समझ रहे हो, वो जो छोटी सी चीज़ होती है, इतना छोटा सा होता है जो ऐसे फोटो खींचते हैं लगे आप समझ गए होगे, व्यू फाइंडर नहीं है इसमें, तो वो एक मेरे को ड्रॉबैक लगा इस कैमरे का। बाकी ये कैमरा कॉम्पैक्ट है, बहुत सही कैमरा है, एंड मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है कैमरा। पहली बार कोई कैमरा लिया है, मैंने सोचा था M50 या फिर 200D लेने का, पर मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे और मुझे लगा कि यार जब एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो क्यों ना सोनी का ही लिया जाए, इसीलिए मैंने ये कैमरा लिया है। एंड बाहर भी मैं आप लोगों को शूट करके दिखा देता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये जो वीडियो शूट हो रही है, ये पूरे इस कैमरे से शूट हो रही है। मेरे को बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बाकी धूप बहुत है, मैंने बेसिकली इस कैमरे को बाहर इसीलिए लाया था कि आप लोग बाहर की फुटेजेस जो होती हैं वो देख सको, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो इसके इनबिल्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो वो भी बताना कि कैसा है आप लोगों को लग रहा है।
लाइक ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, बाकी मुझे बहुत धूप लग रही है पर आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट करूँगा गाइस, आप लोग के लिए। इसके बारे में एक चीज़ अच्छी है, जब आप वीडियो ऑन करते हो लाइक जब ये रिकॉर्ड हो रहा होता है तो एक रेड कलर की लाइट जलती है जिससे आप लोगों को पता लग जाता है कि जो वीडियो है ना वो ऑन हो गई और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। रेड कलर की लाइट है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये रेड कलर की लाइट जल रही है, तो इससे पता लग जाता है कि जो वीडियो है ना वो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये चीज़ अच्छा है इस कैमरे का। ऑलराइट, तो अब जो वीडियो देख रहे हो ना ये मैं पूरा व्लॉग कर रहा हूँ इस कैमरे से थोड़ा बहुत, ठीक है, और मेरा जो ट्रैपॉड है ना वो थोड़ा सा टूट गया है तो मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका कि ये गिरे ना, तो जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ना वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो रही है इसी कैमरे से, ठीक है, और मैंने इसका जो इनबिल्ट माइक है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग बताओ इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसी है। बाकी व्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है, ठीक है, मैं चल रहा हूँ ऐसे, बहुत ही अच्छा कैमरा है, मेरे को वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है इस कैमरे की, धूप भी बहुत है। इसमें एक चीज़ और अच्छी है, आप डायरेक्टली पोर्ट्रेट में वीडियोस ले सकते हो अपने लिए, लाइक अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हो या टिकटॉक पे टिकटॉक नहीं इंस्टाग्राम रील भी बना रहे हो तो डायरेक्ट आप ऐसे शूट कर सकते हो, जो मुझे बहुत ही सही लगा, इसका काफ़ी कन्वीनियंट और काफ़ी सही पड़ेगा ये, बिग थम्स अप। ऑलराइट, सो दैट इज वेरी मच इट, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इस कैमरे का रिव्यू पसंद आया होगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों को ये कैसा लगा, एंड बाकी मैं डिटेल्ड वीडियो इस पर तभी लाऊंगा, लाइक थोड़ा बहुत इसे यूज़ करूंगा, अभी टेस्ट करूंगा उसके बाद मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, एंड वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो जरूर सब्सक्राइब करो, बाकी बहुत धमाकेदार कॉन्टेंट आएगा हाई क्वालिटी में, और इसको पकड़े पकड़े मेरा हाथ दर्द होने लगा भाई बहुत प्लस मेरे को ये करने बहुत मज़ा आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, पीस।